भगवान कह रहे हैं कि शाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। चार तरह के भक्त बताए भगवान ने। आर्त भक्त हैं, दुखी हैं, जीवन में कठिनाइयां हैं और भगवान को पुकारते हैं। द्रौपदी को याद करो, गजेंद्र को याद करो, कोई और सहारा नहीं, बस आप ही रक्षा करो। फिर जिज्ञासु हैं जिनका सारा इंटरेस्ट ज्ञान लेने में होता है, जानने में, परमात्मा को समझने में। फिर अर्थार्थी हैं जो धन आदि की इच्छा लेके भगवान की पूजा करते हैं, भजन करते हैं। चौथे जो हैं वो ज्ञानी हैं। जिज्ञासु और ज्ञानी में फर्क समझो। ज्ञानी में ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी है, ज्ञानी भक्त है वो, तब उसको भगवान कहते हैं। इन सब में तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, जो सर्व समय में नित्य युक्त मेरे से जुड़ा हुआ है, युक्त है। एक भक्तिर, जिसकी भक्ति अनन्य है, इसकी भक्ति अनवेवरिंग, जो हिलती नहीं है, जिसमें एक ही प्रेम रह गया है, एक ही आकर्षण रह गया है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, कि उनमें, इन चारों में नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कई जगह बार बार कह रहे हैं कि ज्ञान एक बात है, उनको जान लेना एक बात है, बहुत सुंदर बात है, पर पूरी बात नहीं है। सोने पे सुहागा तो तभी होगा जब ज्ञान के साथ प्रेम, उनकी अनन्य भक्ति भी हो। तो एक ही सत्य रह जाए। ज्ञान का क्या अर्थ है, ज्ञान का फल क्या है, कि और कुछ आप सत्य मानते ही नहीं। आपकी साधना इतनी प्रगाढ़ है, इतनी डीप है, इतना अच्छा मनन आपने किया है, और कुछ सत्य दिखता ही नहीं है, केवल परमात्मा, केवल मेरे इष्ट, मेरे प्रभु। तो जब यही सत्य रहेगा तो महत्व बाकी चीजों का जीवन में खत्म होना चाहिए। वही प्रूफ है कि आप परमात्मा को ही सत्य मानते हो, नहीं तो केवल बातें कर रहे।
बातें करना एक बात है और उसको रग रग में दौड़ाना वो अलग ही बात है। हर समय उनमें तल्लीन रहना, प्रेम विभोर रहना, तभी होगा ना जब बाकी जो चीजें हैं, जो संसार है, उसका महत्व ही नहीं रहा। आप तो महत्व काहे का है हमारे? अगर हम ने जीवन को देखें तो महत्व और उसके बाद प्रियत्व, जिसमें आपके राग द्वेष आ जाते हैं, इच्छाएं और संकल्प आ जाते हैं, विषयों का आकर्षण कितना अच्छा लगता है हमें। भगवान श्री रामकृष्ण तीन शब्दों में कहते हैं, कामिनी कांचन कीर्ति। कामिनी स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, जब कोई प्रेमी प्रेमिका बहुत ही प्रगाढ़ प्यार में पड़े होते हैं, उनको कुछ और सूझ ही नहीं रहा होता, हर समय वो एक दूसरे के नजदीक रहना चाहते हैं। कामिनी में आप बाकी के भी जो विषय भोग हैं उनको ले लो, जिह्वा के भोग हैं, स्वाद भोजन चाहिए। अगर नहीं स्वाद है तो आपको क्रोध सा आने लगता है, आपका मन खिन्न हो जाता है। कपड़े ऐसे ही चाहिए, ये डिजाइन चाहिए और ऐसा काम करवाना है हमने, उसमें जरा भी ऊपर नीचे हो तो आपका मन खुश नहीं होता। यही कलर चाहिए, यही टेक्सचर चाहिए, और जूते ऐसे ही चाहिए और परफ्यूम ऐसा ही चाहिए, आपका पूरा मन विषयों में तल्लीन है, तो अनवेवरिंग डिवोशन कैसे होएगी? अनन्य भक्ति कैसे बनेगी? मन तो बटा बटा रहेगा ही ना। भगवान कहते हैं कि जैसे एक कछुआ कोई भी खतरा देखता है ना तो अपने सारे अंगों को समेट लेता है, अपने शेल में ले जाता है, उसी तरह साधक को भी अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से समेटना है। इसीलिए डिसिप्लिन की, नियम की, संयम की, त्याग की, वैराग्य की इंपॉर्टेंस है। इंद्रियां अगर बहुत बटी हुई हैं, भाग रही हैं, तो वो योग की स्थिति, वो स्थिर स्थिति नहीं आ सकती है। जो प्रश्न मैं आज ले रहा हूं वो ये है कि साधना में बैठने में दिल नहीं लगता, क्या करें? ध्यान करते हैं तो बस 2 मिनट में ही लगता है, अब उठ जाते हैं, अब उठ जाते हैं। यहां सोचने की बात यह है कि दिल काहे में लगता है। मन उसी तरफ आकर्षित होता है ना। हम कह तो देते हैं कि हमें परमात्मा से बहुत प्रेम है, हम कह तो देते हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं, राधा जी ही हमारी सर्वस्व हैं, श्री रामकृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं, पर केवल बड़ी सतह पे बात कहते हैं, सुपरफिशियली, दिल से नहीं आ रही है वो बात। दिल से आ रही होती ना तो वो ज्ञानी भक्त वाली स्थिति होती। नित्य युक्त तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, एक भक्ति रह जाती।
ये जो बटा बटा सा मन है ये खत्म हो जाता। बात केवल न बैठ पाने की ही नहीं है, मन में महत्व बहुत सारे हैं, मन में प्रियत्व संसार के प्रति बहुत सारा है, तो वो मन इतना चंचल है कि आपको बैठने नहीं दे रहा। तो कामिनी एक बात हो गई, विषय भोग एक बात हो गई, वहां से आपने संयमित कर भी लिया मन को, तो आपको धन का लोभ, असंतोष जो मन में है वो नहीं टिकने देते। वहां पर भी मान लो आपने मन को बैठा लिया, ठहरा लिया, तो क्रोध आता है। कितने ही हम सन्यासी लोग भी देखते हैं कि धन के प्रति ज्यादा आकर्षण नहीं है, विषयों के प्रति आकर्षण नहीं है, पर बार बार क्रोध करते हैं। यानी क्या कि अपेक्षाएं अनगिनत हैं, उसको वो बड़ा सुंदर सा जामा पहना देते हैं। हम लोग भी ऐसा करते हैं, एक जामा पहना देते हैं कि इसलिए उनके हित के लिए कर रहा हूं मैं। हम कह देंगे भाई जल तो खुद ही रहे हो ना, ये जलन जो तुम्हारे अंदर हो रही है वो या भक्ति, क्या चाहिए दोनों में से? संसार को सुधारना है या अनन्य भक्ति? वो बुद्धा ने कहा ना, यू हैवंट कम इन दिस वर्ल्ड टू फिक्स इट, यू हैव कम हेयर फॉर अवेयरनेस, फॉर योर फ्रीडम, फॉर अटेनिंग अनन्य भक्ति। आप किसी तरह मन महसूस कर क्रोध ना भी करें, चलो मन शांत रहता है, अपेक्षाएं कम रहती हैं, ऐसा हो भी जाए तो कीर्ति की इच्छा पकड़ लेती है कि रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल, एप्रिसिएशन। मन उसमें भटकेगा, उसने मेरा आदर नहीं किया, उसने मेरे को ये बात कह दी, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं समझता यहां पर। मन इन चीजों से घिर जाता है। ये ना भी हो तो परिवार में फंस जाएगा, स्नेह पाश महापाश, स्नेह के पाश में फंस जाएगा, फिर परमात्मा भूल जाएंगे। और वो परिवार जो गृहस्थ है उसके लिए तो जो पति पत्नी बच्चे माँ बाप ये हो सकते हैं, एक सन्यासी है उसके लिए अपना आश्रम ही एक परिवार हो सकता है, उसी से ही अटैचमेंट हो जाएगी, फिर परमात्मा भूल जाएंगे और उसको भी सुंदर सा जामा पहना देंगे। अपने को ठीक ठहराने के लिए कि मेरी अटैचमेंट तो हमारे मेरे आश्रम से बड़ी जायज है, परमात्मा भूल गए, आश्रम रह गया। तो कामिनी हो या कांचन हो या कीर्ति हो या मोह हो परिवार आदि के प्रति, या लोभ हो, असंतोष हो या भय हो, ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा, ऐसा हो जाए तो क्या करूंगा, वैसा हो जाए तो क्या करूंगा, इनसिक्योरिटीज हो या शोक विषाद हो, इन सब के रहते कोई भी इनका कारण हो, कोई भी आपने मान्यता धारणा इच्छा रखी हो जिसके कारण ये सारे विकार मन में उठ रहे हैं, ये आपको साधना में बैठने नहीं देंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि पहले अपना नजरिया ठीक करना पड़ेगा, पहले अपनी प्रायोरिटीज को
डिसएंटैंगल करना पड़ेगा, जो गुंजल पड़े हुए हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। भगवान ने क्या कहा, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एके कुरुनंदन, एक बुद्धि चाहिए। 50 बुद्धियां रखी हुई हैं, 50 जगह मन आकर्षित हो रहा है, तो साधना कैसे बनेगी? मैं मेरा का संसार बहुत ही प्रिय लगता है, साधना कैसे बनेगी? बिना क्लैरिटी के वैराग्य नहीं आ सकता, यानी डिटैचमेंट, अनासक्ति नहीं हो सकती। बिना अनासक्ति के साधना गहरी नहीं हो सकती। बटे बटे मन से नहीं होता होता है, भगवान तो बार बार कह रहे हैं, नित्य लगो मुझ में, नित्य लग, एक मैं ही तुम्हारा आकर्षण रह जाऊं, मुझ में ही केवल लगाव हो, प्रेम। हमने सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। फिर वो कर्तव्य आ गए, फिर वो हमारी अटैचमेंट्स खड़ी हो गई, और फिर हम बह गए, फिर हम भूल गए। तो अपने आप को बार बार चेताना है, याद करवाना है। ये एक ऐसा पौधा है ना साधना का, इसको बड़े प्यार से इसको हेल्प करनी है, ग्रो करने, बढ़ने में। जितने भी खरपतवार हैं, वीड्स हैं, जो मन भाग रहा है वो सब वीड्स हैं, उनको निकालना है और रोज सींचना है इसको प्रेमा भक्ति से, ज्ञान से, विज्ञान से। चलो मैं मानता हूं कि अभी बैठने का इतना दिल नहीं मानता, मन चंचल है, बार बार आपको ध्यान की सीट से उठा देता है, कोई बात नहीं। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मनन करो, मनन नहीं छूटना है, ध्यान नहीं छूटना है। बैठने में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, जिस भी मंदिर में आप जाती हो वो मंदिर की परिक्रमा करते करते करो। अपने घर में बहुत ही स्लो वॉकिंग मेडिटेशन, पर वॉकिंग मेडिटेशन केवल पैरों को, केवल अपनी चाल को देखने के लिए नहीं, वो वॉकिंग मेडिटेशन के समय मन पूरी तरह परमात्मा में लगा हुआ है, इंक्वायरी में लगा हुआ है, मंत्रों में लगा हुआ है पूरी तरह। थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इससे, पर फाइनली तो ये बात याद रखो, जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं कि दही जमाना होगा ना तो उसको आप बार बार हिला नहीं सकते हो। आपने गुनगुना किया दूध को, उसमें जामुन मिलाया, और फिर उसको एक ही जगह पर रखना पड़ेगा, उसको एकांत देना पड़ेगा। बैठकर साधना करने का वैसा ही महत्व है, खुद को एकांत में लेके जाओ ताकि आपका फोकस बहुत अच्छा। भागते भागते साधना नहीं होती होती है। हाँ, शुरू के दिनों के लिए आप वॉकिंग मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो, या कोई और मूवमेंट्स ऐसे कर सकते हो। मतलब आपको खुद क्रिएटिव होना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज है कि जिसको करते हुए मैं आधा घंटा पूरी तरह
संलग्न रहूं साधना में, क्या करूं ऐसा, बहाने नहीं, इस वजह से नहीं, उस वजह से नहीं, नहीं बहाने नहीं चलेंगे। दूसरी बात कि साधना को परिपक्व करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट। सत्संग एक तो ऐसे है जैसे हम बात कर रहे हैं, दूसरा सत्संग आप स्वाध्याय करके, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, दो तीन स्क्रिप्चर्स ले लो जो आपको रुचते हैं, उन पर मनन करना, तो आपकी बैटरीज एकदम दोबारा से चार्ज हो जाएगी। और बीच बीच में एकांतवास, रिट्रीट्स करना, अपने घर से दूर चले जाना बीच बीच में, मान लो 2-3 महीने में कम से कम 1 हफ्ता निकाल पाना, 6 महीने में 15 दिन निकाल पाना, 1 साल में कम से कम 1 महीना निकाल पाना, जहां आप सब चीजों को छोड़कर केवल साधना के लिए, केवल उस साधना के वृक्ष को और स्ट्रांग बनाने के लिए एकांत जाते हैं। एकांत में या एक कोई लाइक माइंडेड कोई आपका मित्र है, साधक है, उसके साथ, पर जगह ऐसी पे जाना जहां सत्संग भी मिले, नहीं तो मन फिर भटकेगा, नहीं तो वो बस सुबह शाम रेस्टोरेंट्स में बैठकर ही टाइम निकाल दोगे, सुबह से लेकर शाम तक खाने की ही बस प्रिपरेशन करते रहोगे, सोचते रहोगे ब्रेकफास्ट में ये खाना है और लंच में ये खाना है, शाम को ये खाएंगे और रात को ये खाएंगे, फिर फोकस भटकेगा क्योंकि मन अभी स्थिर नहीं है। तो फिर से खुद को याद कराओ, बिना स्थिर मन के बात नहीं बनेगी। अगर राधा जी ही मेरी सर्वस्व है तो राधा जी से मन पूरी तरह सफ्यूज होना चाहिए ना। अगर राधा जी के दर्शन चाहिए आप कहती हैं, कैसे मिलेंगे दर्शन, जब अनन्य प्रेम होगा उनके साथ। कैसा प्रेम, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जैसा सती का पति से, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति का धन से, और एक मां का अपने बच्चे से, जब इन तीन प्रेमों को तुम एक साथ मिला दो, इनको मिश्रण कर दो इनका, तो जो गाढ़ापन आता है प्रेम में, वैसा जब आपका राधा जी के प्रति होगा तो उनके दर्शन हो जाएंगे। अनन्यता होगी तो वो दौड़ी चली आएंगी, अनन्यता नहीं होगी तो जगत जननी है, महामाया है, वो कहती है ठंड रख, ठीक है अभी वेट करो। हमारे में ही अनन्यता की कमी है, हमारे में ही उलझने हैं, गुंजल पड़े हुए हैं मन में, अभी भी मन दूसरों की बातों से प्रभावित होता है, अभी भी हम अपेक्षाएं करते हैं, चाहे वो जिसको आप कहोगे अच्छी अपेक्षाएं हैं, वो भी सात्विक अपेक्षाएं हैं, वो भी सत्व भी बंधन बन जाता है, याद रखना। बस सब कुछ छोड़कर तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते, जब ऐसा होगा तब भगवान कहते हैं तुम मुझे बहुत प्रिय हो। जैसे तुम मुझे प्यार करते हो वैसे ही मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और उनसे प्रार्थना करें, प्रार्थना दिल से बोले कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये संसार नहीं छूट रहा है, बार बार वापस आता है मन में, हटाओ इसको, और आपकी कृपा के बिना मैं खुद नहीं हटा सकती हूं इसको। दिल से प्रार्थना करो,
तो डिसिप्लिन बनाओ, संयम बनाओ और क्रिएटिव तरीके निकालो कि आप साधना में संलग्न रह सको। स्वाध्याय को बहुत महत्व दो, मनन को यानी बहुत महत्व दो। और खूब प्रार्थना करो, बात बन जाएगी। भगवान हम पर कृपा करें कि हम सबकी बात बन जाए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।